नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के गुट को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया है। आयोग ने एनसीपी पार्टी को लेकर शरद पवार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दरअसल अजित पवार ने 30 जून को 40 विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के समर्थन के साथ एनसीपी के नाम और सिंबल पर दावा किया था। उन्होंने सभी विधायकों के दस्तखत वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे थे। उन्होंने आयोग से दावा किया था कि असली एनसीपी वही है। एनसीपी संस्थापक शरद पवार गुट ने उन 9 विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की है जिन्होंने अजित पवार का समर्थन किया है और शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। इन विधायकों के खिलाफ एनसीपी विधायक और ग्रुप लीडर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर हाउस में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।